पास क्यों कह रहे हैं? क्योंकि प्रोबेशन पीरियड और इतनी सारी डिमांड। अब इनके परिवार वालों की जानकारी दे देते हैं। 40 करोड़ के करीब संपत्ति इनके पास है। नखरेबाज आईएएस का रईस परिवार है। 110 एकड़ कृषि भूमि भी इनके पास है और इसके अलावा 22 करोड़ के फ्लैट्स भी हैं। आप जरा सोचिए, जब इन्हें जानकारी दी होगी तब ये सब छुपाया गया होगा जो इनके पास है। 8 करोड़ की कॉमर्शियल दुकानें तक हैं, तो कितना रईस परिवार है आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। 2 करोड़ की गैर कृषि भूमि भी है। गैर कृषि भूमि की जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। 87 लाख की ज्वेलरी भी है। 87 लाख की ज्वेलरी की खबर भी यहां पर सामने आ रही है और 17 लाख की सोने की घड़ी, 17 लाख की सोने की घड़ी तक ये रखती हैं। और इसके अलावा 2 प्राइवेट कंपनियों की भी खबर यहां पर सामने आ रही है। कई डिमांड्स इनकी तरफ से। 1 ऑटोमोबाइल फर्म भी है इनका। कितने सारे मल्टीपल कंपनीज बिजनेस के यहां पर जानकारी। 4 लग्जरी कारें हैं इनके पास और इसके अलावा कई संपत्ति हैं। 40 करोड़ की संपत्ति की जानकारी। और पूजा खेडकर के विवाद के बाद अब उनकी मां का वीडियो भी सामने आया है। आपको बता दें कि वो किसानों को धमकाती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल वो किसानों की जमीन को कब्जाने के लिए गई थी, लेकिन जब किसानों ने विरोध किया तो पिस्टल लेकर उनको धमकाने पहुंच गई। देखिए, तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देख रहे होंगे। ये पूजा खेडकर की मां है जो वहां पर गई किसानों को धमकाने के लिए। उनके हाथ में लाल घेरे के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए उनके हाथ में पिस्टल है। और चूंकि ये किसानों की जमीन को कब्जाने गई थी, लेकिन जब किसान विरोध करने लगे तो पिस्टल निकालकर उनको धमकाने पहुंच गई। देखिए किस तरीके से उन्हें धमकाती हुई ये नजर आ रही है। स्थानीय किसानों को धमकी दे रही है, अपने पूरे किस तरीके से लाव लश्कर के साथ वहां पर गई है। ये देखिए, उनके एक्सप्रेशन से समझा जा सकता है कि इस समय कितनी गुस्सा वो नजर आ रही है। और क्योंकि किसान विरोध कर रहे हैं, किसानों की जमीन को कब्जाने वो पहुंची, जब उन्होंने विरोध किया तो इस तरीके से पिस्टल हाथ में लेकर वो यहां पर किसानों को धमकाती नजर आई। ये वीडियो जो वायरल हो रहा है, ये पूजा खेडकर की माँ है। तो ये देखिए किस तरीके से धमकाते हुआ उनका वीडियो वायरल हुआ है। तो देखिए क्या कुछ अभी तक हुआ, क्या कुछ वीडियोस और तमाम चीजें सामने आ रही हैं, बता रहे हैं। लेकिन अब इस नखरेबाज आईएएस के परिवार के बारे में भी जरा आप जान लीजिए। ड्रामा क्वीन आईएएस का परिवार, पिता पुणे में सहायक कलेक्टर रहे हैं, माता अहमदगढ़ की भाला गांव की सरपंच रह चुके हैं। आप जरा समझने की कोशिश करिएगा, इनके परिवार की जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, तो इनके पिता सहायक कलेक्टर पुणे में रह चुके हैं, अहमदनगर की भाला गांव की सरपंच इनकी माता रह चुकी है। जबकि जो डिटेल फॉर्म में भरनी होती है, जानकारी देनी होती है, वहां साफ तौर पर इनकी तरफ से कहा गया था सामान्य परिवार है, इतनी इतनी आय है, 8 लाख से कम है, जिसके बाद इनको नियुक्ति दी जाती है उन सभी पैमाने पर, लेकिन वो सब गलत निकलती हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए, यहां समझने की कोशिश करिएगा। यही है वो नखरेबाज आईएएस और इनका परिवार। पिता के बारे में जानकारी मिल रही है कि पुणे में सहायक कलेक्टर रह चुके हैं, माता के बारे में बताया जा रहा है अहमदनगर की भाला गांव की सरपंच वो रह चुके हैं। तो क्या कुछ कनेक्शन इनके पूरे परिवार का निकलकर आ रहा है, सामने आ रहा है। और जब हमने आपको संपत्ति की जानकारी दी तो इससे आप समझ सकते हैं कि इनके पास करोड़ों की संपत्ति है, कई मल्टीपल बिजनेस है, कई कंपनीज इनके नाम पर है, फर्म भी है, कई कृषि जमीनें भी हैं, गैर कृषि जमीनें भी इनके नाम पर है, और 17 लाख की घड़ी तक इनके पास है। और इससे समझा जा सकता है कि इनका परिवार सामान्य नहीं है। तो ये जानकारी आपको दे रहे हैं कैसे इनके परिवार की जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है, इनके पिता के बारे में भी और माता के बारे में ज्यादा जानकारी आपको बताते हैं। और इधर आपको बता दें, सड़क परिवहन का एक प्रोजेक्ट, सिंगरौली प्रोजेक्ट, जो इस समय जबरदस्त चर्चा में है। आपको बता दें कि किस तरीके से अब ये पूरा कैसे गोरख धंधा ये पूरा चल रहा है, क्या ये पूरा कच्चा चिट्ठा इनका है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। प्रदेश के सिंगरौली जिले के जिला मुख्यालय से लगभग 90 किलोमीटर दूर 33 गांव को जोड़ते हुए प्रयागराज नेशनल हाईवे का सर्वे हो चुका है। एमपी के सिंगरौली जिले से प्रयागराज को जोड़ने वाली लगभग 70 किलोमीटर से ज्यादा की हाईवे चितरंगी और
दुधमनिया तहसील के 33 गांव की जमीन हाईवे में फंस रही है। अधिग्रहण की सूचना मार्च में जारी हुई, इसके बाद जमीन की खरीद फरोख्त और नामांतरण पर प्रशासन द्वारा रोक लगा करके बकायदा अनाउंसमेंट और जगह जगह पोस्टर चस्पा करवाया गया है कि अब ये जमीन नहीं खरीदी जा सकती और इस जमीन पर मकान नहीं बनाया जा सकता। फिर भी दोनों तहसीलों के गांव में एक महीने में लगभग 2500 से ज्यादा मुआवजा घर बनकर खड़े हो गए हैं। किसानों ने पैसे की कमी से निपटने के लिए मुआवजे का दूसरा अब गणित निकाल लिया है। इसके लिए किसान बकायदा स्टाम्प पेपर पर दूसरे राज्यों के लोगों से निर्माण के आवास में 80% एवं 20% मुआवजा राशि देने का करार कर रही हैं। इसकी शिकायत बकायदा NHIPWD के पास पहुंची। बकायदा प्रशासन भी ये चीज मानते हैं कि सर्वे पूरा होने के बाद भी बड़ी संख्या में घरों का निर्माण हुआ है। बता दें कि सिंगरौली जिले में कंपनियों का हब और कंपनियों से संचालित हब माना जाता है और यहाँ बकायदा इससे पहले भी मुआवजे को लेकर एक बड़ा गिरोह सक्रिय है। इस गिरोह का सिर्फ इतना ही काम रहता है कि दूसरे राज्य से लोग आकर यहाँ पर जिस भी इलाके में कंपनी सड़क या प्रशासन द्वारा भूमि अधिग्रहण करके कंपनियां अपने खुद के प्लांट संचालित करने वाली रहती हैं, तो ये गिरोह उससे पहले ही यहाँ के आदिवासी परिवारों से जमीन लेकर मुआवजे की राशि पाने के लिए मकान चंद दिनों में कई मंजिले खड़ा कर देते हैं। बता दें कि ताजा मामला चितरंगी के भटकुट गांव का है, जहां पर नेशनल 135 सी हाईवे सड़क निकल रही है। ये सड़क 740 करोड़ की लागत से 70 किलोमीटर बननी है। उससे पहले ही मुआवजा पाने की नियत से वहां पर रातों रात 25 से ज्यादा मकान खड़े कर दिए गए। SDM सुरेश इस बात को खुद मानते हैं कि सर्वे होने के बावजूद भी कई मुआवजे पाने की नियत से कई मकान खड़े कर दिए गए, लेकिन चतरंगी SDM सुरेश जाधव का सख्त निर्देश है कि जो भी सर्वे के बाद मकान बने उस मकान को बकायदा जमींदोज कराया जाएगा और उन्हें मुआवजे से वंचित किया जाएगा। सर्वे में जानकारी प्राप्त हुई है कि कुछ लोगों ने 3A के प्रकाशन के बाद अपने मकान निर्माण किए हैं। ऐसे मकानों को चिन्हित किया गया है सर्वे दल के द्वारा, साथ ही उनके फोटो जियोटेक के द्वारा सेव कर लिए गए हैं। यदि कोई निर्माण 3A के प्रकाशन के बाद हमें प्राप्त होता है तो उसको नियमानुसार किसी प्रकार का मुआवजा प्रदाय नहीं किया जाएगा। कई ग्रामों में इस तरह के घर बनाए गए हैं, कहीं पर छत डाले गए हैं, कहीं पर सीट लगाया गया है, काफ़ी नए नए निर्माण किए गए हैं, काफ़ी सारे बोर किए गए हैं यहाँ पर, और यही सब चल रहा है। अभी निर्माण कार्य चल भी रहा है कहीं कहीं पर। ये सब मुआवजा के लिए ही पूरे घर बनाए जा रहे हैं। लिहाजा जो भी हो, लेकिन सिंगरौली जिले में भूमाफिया और मुआवजा राशि पाने वाले लोग भारी संख्या में एक्टिव हैं और इससे कहीं ना कहीं प्रशासन को काफी नुकसान भी होता है। लोग तो यहां तक ये भी बताते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें बड़े लेवल पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ही होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब 2 मिनट में भारत। सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को दी अंतरिम जमानत। जब तक बड़ी बेंच करेगी सुनवाई तब तक जमानत मिली है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर हमला। कहा बीजेपी सरकार झूठे आरोपों के तहत किसी को भी डाल देती है। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने पर दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का बयान, ये केवल अंतरिम जमानत है, आम आदमी पार्टी के लिए कोई खुशी मानने वाली बात नहीं है। हाथरस भगदड़ मामले पर सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट का इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने को कहा है। महंगी बिजली दर को लेकर दिल्ली बीजेपी का आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। बिजली बिल जलाकर कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। IAS अधिकारी पूजा खेड़कर के बंगले पर चल सकता है बुलडोजर। फुटपाथ पर अतिक्रमण का आरोप, पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन टीम ने निरीक्षण किया। IAS पूजा खेड़कर की मां का वीडियो वायरल। हाथ में पिस्टल लेकर किसानों को धमकाती हुई नजर आई पूजा की मां। रिपब्लिक भारत इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। महाराष्ट्र कांग्रेस को MLC चुनाव से पहले झटका। कांग्रेस के 3 विधायक बैठक में नहीं पहुंचे, सिर्फ 34 विधायक ही बैठक में रहे मौजूद। CISF जवान को थप्पड़ मारने वाली स्पाइस जेट कर्मचारी के खिलाफ केस दर्ज। एक दिन पहले महिला ने जवान को मारा था थप्पड़। दोनों के बीच सुरक्षा जांच को लेकर हुआ था विवाद। यूपी के मुजफ्फरनगर में हुई मुठभेड़ में पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से बाइक और अवैध हथियार बरामद। यूपी के कानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। बदमाश ने महिला से लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के गाजियाबाद में हुई मुठभेड़ में पुलिस ने बदमाश को धर दबोचा। आरोपी पर लूटपाट और आर्म्स एक्ट समेत कई मामले दर्ज।
यूपी के बुलंदशहर में दिखा रफ्तार का कहर, अनियंत्रित ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली को मारी टक्कर, हादसे में दो लोग घायल हुए हैं।